पटना में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसका रंग दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक तरफ चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच उतर गए हैं, वही दूसरी तरफ दिल्ली में छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट की उम्मीदवारी के लिए जनता का टिकट पर चर्चा भी शुरू हो गया है। यह तस्वीर है छतरपुर विधानसभा की। बीते दो बार से यहां से आम आदमी पार्टी के करतार सिंह तंवर विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी से विधायक करतार सिंह तंवर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लिहाजा छतरपुर विधानसभा में टिकट की उम्मीदवारी के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दावेदारी की लड़ाई शुरू हो गई। छतरपुर विधानसभा के आया नगर में एक आम सभा रखी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। विषय था इस बार छतरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारी किसे दी जाए। हालांकि जिस तरह कार्यक्रम की तैयारियां की गई थी, उससे साफ दिख रहा था कि आया नगर में आम आदमी पार्टी के पुराने नेता रहे, जिनका नाम रोमी भाटी है, उनके नाम का समर्थन एक तरफ दिख रहा था। लिहाजा कार्यक्रम में हमने जिससे भी बातें की, सभी लोग रोमी भाटी की उम्मीदवारी के पक्ष में आए हुए थे। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ पंचशी लाल की रिपोर्ट। देखी बड़े स्पष्ट शब्दों में रखी और ये भी बोला कि अभी और भी कैंडिडेट आएंगे, उनमें से हमें तलाश करना है कि कौन अच्छा है। लिया तो मैं भी अपने उद्घाट निकालने के लिए बेचैन हो रहा था। आपने नाम लिया तो मैं भी भाई राम जी के बारे में बताने तो देना चाहता हूँ कि राम जी एक ऐसा व्यक्ति है जो योग्य और ईमानदार है। उसके ऊपर क्या उसके पूरे परिवार के ऊपर आज तक कोई भी किसी तरीका का भी कोई आरोप नहीं लगा है। मैं इनके दादाजी चौधरी हरमन जी को कौन नहीं जानता, पूरे इलाके में जानते हैं। इनका एक घर है आयनगर के अंदर, एक घर है, परंतु इन्होंने जिस मेहनत से जिस तत्परता से उन्नति की है वह अपने आप में बता दीजिए। जी जैन साथियों, मेरा नाम रोमी भाई है, आया नगर से हूँ मैं, छतरपुर विधानसभा। अच्छा रोमी जी, एक तरफ अरविंद केजरीवाल आज जनता के बीच में पहुँचे हुए हैं, आज आप यहाँ पे जनता के बीच पहुँचे हुए हैं, जी मकसद बिल्कुल क्या है? देखिए, अब मकसद तो यही है कि जो यहाँ पे एक दल बदलू MLA था, उसके खिलाफ ये गांव एकजुट हुआ है, छतरपुर विधानसभा एकजुट हुई है, और हमें ये प्रोग्राम इसलिए किया है कि जैसे जनता से विचार विमर्श करके राय शुमारी करके हम लोग यहाँ जनतंत्र को अगला अपना कैंडिडेट निर्धारित। ठीक है, क्या चाहते हैं, मुद्दे क्या होंगे, किन बातों पर चर्चा होगी? जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने शिक्षा पे, अस्पताल पे और बेसिक इंफ्रा पे बहुत सारा काम किया, लेकिन छतरपुर कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार रहा। तो छतरपुर एक ही कारण था कि यहाँ पे जो विधायक थे उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, इसलिए ये मुद्दे हैं हमारे कि विकास ही मेन मुद्दा रहेगा कि यहाँ पे जो काम नहीं हो पाए विधायक की वजह से उसको बदले। छतरपुर जो विधायक करतार थे और उसके बाद तीन निगम पार्षद आम आदमी के थे, वो सभी BJP में चले गए, आखिर 10 साल में काम क्या हुआ? विधायक का फेलियर रहा। अब विधायक ये चाहता है कि जैसे मैं दल बदल लूँगा तो शायद मुझे वोट मिल जाए, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी छोड़ के भागे हैं, और उनको जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने जो वोट किया था उनको अरविंद केजरीवाल के फेस पे किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बहुत गद्दारी की है और ये जनता को अच्छी तरह याद की। समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र की? समस्याएं यहाँ पे बेसिक पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे सड़कें बहुत ख़राब है, पानी की निकासी की बड़ी समस्याएं हैं, और विधायक जी को मैं बोलूँ तो उन्होंने कुछ भी नहीं करवा पाए, जो हो जाने चाहिए थे डेवलपमेंट के काम वो उन्होंने नहीं करवा पाए। एक यहाँ की मुख्य सड़क है जिसको हम लोग संडे मार्केट के नाम से भी जानते हैं, 1.25 साल पहले उसका टेंडर हुआ, लेकिन वो आज तक वो भी नहीं बन पाई है। अगर आपको दिल्ली जो विधानसभा होने वाले, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आपका मुख्य काम क्या रहेगा?
आज मैंने जो ये विचार विमर्श जनसभा बुलाई है, इसमें मेरा यही था कि मैं लोगों से ये पूछूं कि भाई हमारे प्रमुख मुद्दे क्या हैं और हमें किन किन को प्रायोरिटी पे लेके काम करना है। जैसे मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अर्जेंसी में अभी चाहिए हमें और कुछ एक दो महीने तीन महीने बाद चाहिए, उन मुद्दों पे हमें प्राथमिकता देनी है। भाई हम कह सकते हैं कि विधानसभा की तैयारी आप दोस्तों लगे हैं और अब की बात एक ही आवाज़ दो में पाई। देखिए ये मेरे गांव वाले और मेरी छतरपुर विधानसभा के कार्यकर्ता साथी और वहाँ की जनता तय करेगी कि मैं विधायक बनूँ या ना। लेकिन आप पूरी तैयार हैं? पूरी तैयारी बिल्कुल, जो जनता का हुक्म होगा, जनता की अदालत जो मेरे लिए हुक्म होगा मैं करूँगा।